नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास बात बताने वाली हूँ जो आपके और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि आप ट्रेन में सफ़र तो करते ही होंगे। दोस्तों अक्सर आज जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप जब ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं या वहाँ आप देखते हैं एक पीले कलर का बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है रेलवे स्टेशन का नाम और उस शहर का नाम जिस जगह पर वो रेलवे स्टेशन उपस्थित होता है। और दोस्तों उस बोर्ड पर साथ ही नीचे की साइड लिखा होता है या ऊपर की साइड लिखा होता है समुद्र तल की ऊंचाई। तो दोस्तों क्या आपने सोचा है समुद्र तल की ऊंचाई जो लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो दोस्तों आज मैं इसका मतलब आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, तो मेरी इस वीडियो का एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि क्यों लिखा होता है रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड होता है उस पर शहर का नाम लिखा होता है, रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है और साथ में नीचे ही लिखा होता है समुद्र तल की ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों रेलवे के भी कुछ नियम होते हैं जिन नियमों से हम अनजान रहते हैं। हर स्टेशन पर, हर रेलवे स्टेशन पर उसका नाम और पीले रंग के बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा होगा, शहर का नाम लिखा होगा और नीचे लिखी होगी समुद्र तल की ऊंचाई। दोस्तों बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई इसलिए लिखी होती है क्योंकि पहले के समय में दुनिया को नापने के लिए वैज्ञानिकों को एक पॉइंट की जरूरत होती है, इसीलिए दोस्तों समुद्र की ऊंचाई को एक समान माना जाता है। और दोस्तों समुद्र का जो पानी होता है वो भी एक समान रहता है, इसीलिए दोस्तों इसको एक समान दिखाने के लिए समुद्र को सबसे ज्यादा परफेक्ट माना है और इसका पानी भी एक समान रहता है, समुद्र तल की ऊंचाई भी एक समान रहती है। और दोस्तों यही कारण है कि हर रेलवे स्टेशन के पीले कलर के बोर्ड पर शहर का नाम लिखा होता है, रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है, समुद्र तल की ऊंचाई का लिखा हुआ जरूर होता है। अब दोस्तों आप मान लीजिए एक ट्रेन की समुद्र तल की ऊंचाई 100 से 200 मीटर की तरफ बढ़ रही है, तो दोस्तों ट्रेन के गार्ड को और उसके ड्राइवर को उससे यह फायदा रहता है कि वो पढ़कर अपने माइंड में यह गणित लगा लेता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी होगी और आगे चलकर उसमें ब्रेक जो लगेगा तो वो कितनी स्पीड पर लगेगा। ये सब पता करने के बाद, समुद्र तल की ऊंचाई को पढ़ने के बाद ड्राइवर और गार्ड यह अनुमान लगा लेता है कि आगे बिजली के तारों की ऊंचाई कितनी होगी और ब्रेक मारने पर क्या होगा। तो दोस्तों इसलिए ड्राइवर और गार्ड के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे ज्यादा इस चीज पर फोकस करते हैं, इसको पढ़कर अपनी ट्रेन के स्पीड को कम और ज्यादा करने में उनके लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों पृथ्वी गोल है और एक समान है नहीं, तो इसलिए दोस्तों समुद्र तल की ऊंचाई एक समान है। इसके अलावा इसकी मदद से ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान रखने में ड्राइवर को मदद मिलती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।